जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सब्सक्राइबर पूछते थे कि सर आप है कहां से, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बक्सर जिला से हूं, यानी बिहार में एक जिला पड़ता है बक्सर। और आपको एक चीज और भी पता होगा, 5 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है, राम जी का भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या में। तो राम जी के जीवन से संबंधित है आपका बक्सर जिला, क्योंकि राम जी जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे विश्वामित्र जी के साथ, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ, तो यहाँ बक्सर आए थे, ठीक है। और बक्सर में एक ताड़का, एक राक्षस थी, उसी का वध किए थे, या हम कह सकते हैं कि ये एक तपोभूमि है, विश्वामित्र की तपोभूमि है। और साथ में राम जी ने शिक्षा भी ग्रहण किया था तो बक्सर से। और एक खास मैं बता दूं कि पूरे विश्व में बक्सर क्यों फेमस है, तो राम जी का असली चरण जो छाप है वो आपके बक्सर में ही मिलेगा, ठीक। तो ये वही मैं चरण आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसका दर्शन करना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो इसका दर्शन करते हैं। और मैं बता दूं कि बक्सर से आप जब उतरिएगा तो एक ऑटो पकड़िएगा तो रामरेखा घाट उतर आइएगा, और रामरेखा घाट पे आपको ये मंदिर है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ और देखिए कि कितना खूबसूरत लगता है, और ये देखना आपके लिए भी बहुत ही सुखदायी होगा। चलिए, देखिए काफी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी महर्षि लोग हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है तो बहुत सारे महर्षि लोग का आपका मूर्ति मिलेगा। और ये है, आज अंदर देखिएगा तो अभी बहुत सन्नाटा है। कारण क्या है सन्नाटा की, लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से तो काफी कम भीड़ आ रहा है, इसीलिए पूरा एकदम मंदिर खाली है। आइए खाली में ही दर्शन किया जाए। यहाँ छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे मिलेंगे, जैसे ये साइड देख सकते हैं आप, उधर देख सकते हैं। ठीक है, सभी जगह विश्वकर्मा भगवान लिखा हुआ है, जैसे विश्वकर्मा भगवान को पूजा है। और आगे भी बहुत सारे मंदिर हैं, और इस मंदिर में एक तरह से मठ भी है, जैसे कि जितने भी महर्षि लोग हैं वो भी यहाँ निवास करते हैं, तो एक तरह से देखने में लगता है ना कि एक निवास स्थल है। वैसे तो बाबू कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? पहले 200 लोग रहते थे, 25 लोग महर्षि लोग अभी भी यहाँ पे हैं, इसलिए पूरा सन्नाटा हुआ है, ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है। और देखा जाए तो बहुत विश्व में विख्यात है। एक बार अभी राम जी के एक स्थलाकृति के एक ट्रेन चला था, जिसमें आपका एक बक्सर स्थल भी था, जो विदेशी लोग आए थे और बक्सर भी भ्रमण किए थे सिर्फ इसी वजह से कि राम जी का असली जो चरण छाप है वो देख सके। तो आइए आगे। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ और यहाँ पर उतरते हुए काफी अंधेरा भी है, लाइट नहीं है, और आप आइए अंदर। और आप इस पत्थर को देखिए, इसमें राम जी का छाप आपको दिखेगा।
और पत्थर पे इनका जो छाप है ये इस साइड से आपको बहुत गहराई से देखिएगा तो आपको मिलेगा ये रहा। और ये बहुत मतलब किसी को छुना भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये पवित्र चीज है, लेकिन मुझे बताना जरूरी था कि मुझे आपको दिखाया था। और कभी अक्सर आइए तो जरूर मिलिए, मेरे से मिलिए, राम जी से मिलिए। और चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ का जो एक घाट है रामलिखा घाट वो कैसा लगता है, गंगा नदी से मिलाना बहुत जरूरी है। ये गंगा नदी है और यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, जैसे कि तनाव बच्चों का मुंडन होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन कोरोना की वजह से भीड़ नहीं है। और जो मैंने मंदिर आपको दिखाया वो जो मंदिर था बस इसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपको दो फायदा हो जाएगा, एक गंगा जी में नहाने का मौका मिल जाएगा और साथ में वो मंदिर भी आप देख सकते हैं। और एक खास मैं और बता दूँ, उस साइड जो देख रहे हैं वो यूपी है, ठीक, वो यूपी है और ये बिहार है। तो यूपी बिहार के बॉर्डर पे है और ये गंगा नदी जा रही है। ये आपको बनारस से होते हुए ये आपको कलकत्ता की ओर निकल जाएगा और यही खास बात है। आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हो चुका है, घाट भी बन रहे हैं, ये सब आपका स्टील लगा हुआ है। पहले इतना व्यवस्था नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी व्यवस्था हो रहा है। ये यहाँ पे भाई गंगा से स्नान करना जरूरी है, अगर स्नान नहीं भी करते हैं तो आप पानी छिड़क लीजिए, आप पवित्र हो जाइए, ठीक है। तो काफी खूबसूरत नजारा है।